नमस्कार साथियों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक नया अपडेट आ गया है, तो उसके संबंध में आपको जानकारी बताना बहुत आवश्यक था। हमारे पास डेली कॉल और मैसेज बहुत सारे आते रहते हैं। काफ़ी बार कुछ भाइयों ने यूट्यूब पर भी कमेंट किया है, हमारे इंस्टाग्राम पर भी कमेंट किए हैं कि सर ये बताएं कि AEPF हमारा सेंट्रल बैंक का क्यों नहीं चल रहा है। तो उस संबंध में हम आपको बता देना चाहते हैं, एक छोटा सा वीडियो है। तो पहले तो आप ये मान के चलें, जब किसी भी बैंक का कोई भी फीचर अगर 2 या 3 महीने से लगातार बंद है, तो आप ये मान के चलें या तो वो बिल्कुल सही प्रॉब्लम है या फिर ये बिल्कुल बंद कर दिया गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अभी वर्तमान में 3 महीने से सेंट्रल बैंक का AEPF बंद है। तो हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे आप सेंट्रल बैंक के AEPF से कैसा किस तरह से पैसा निकाल पाएंगे, उसके बारे में। एक अपडेटिंग का लेटर भी आ गया है, वो लेटर हमने अपने थंबनेल पर डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। उस सेंट्रल बैंक के नोटिस में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपका खाता PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना में है, तो आप AEPF कर पाएंगे किसी भी बैंक BC पर। और इस नोटिस में एक पॉइंट ये भी है, अगर आपका खाता नॉन PMJDY है, मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना में नहीं खोला गया है, तो आपके लिए AEPF परमानेंट बंद कर दिया गया है। समझना, इसमें दो बातें हैं, जिनका जन धन योजना में खुला है उनका तो चलेगा, अदर कहीं भी चल सकता है। और बंद क्यों किया गया उसका भी रीजन आपको बताएंगे। और अगर आपका खाता प्रधानमंत्री जन धन योजना में नहीं है, उनका हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, और ये केवल अदर बैंकों के सर्वर पे किया गया है। जैसा कि आपको बताएं, जैसे हम स्पाइस मनी का ID चलाते हैं या नोवा पे का चलाते हैं, रोनेट का चलाते हैं या फिनो का चलाते हैं, तो हर बैंक का एक अलग से स्पेशली किसी न किसी बैंक के सर्वर से अटैच रहता है। देखा होगा यस बैंक लिख कर आता है, कहीं एक्सिस बैंक लिख कर आता है, कहीं ICICI आता है, कहीं कोटक महिंद्रा, सभी के अलग अलग सर्वर हैं। तो अलग डिफरेंट बैंक के सर्वर पर सेंट्रल बैंक का AEPF टोटली बंद कर दिया गया है। आप किसी भी पोर्टल से पैसा निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, केवल एक तरीका है जिससे आप निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या रहता है, कस्टमर जैसे आप रोनेट से निकालते हैं या स्पाइस मनी या फिनो या एयरटेल पेटीएम किसी से भी निकालते हैं, कस्टमर आपके यहाँ आता है तो आपके यहाँ AEPF से पैसा नहीं निकलता है। वही कस्टमर किसी भी सेंट्रल बैंक के बैंक BC पर जाता है, तो वहाँ से वो पैसा आराम से विड्रॉल कर लेता है AEPF के थ्रू। अब इसको हम आराम से समझाने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक ने ऐसा किया है, उनके यहाँ के ग्राहक सेंट्रल बैंक के बैंक BC या बैंक में आकर तो पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह जाएंगे वहां से नहीं निकाल सकते। अब इसमें दो चीज़ें और आती हैं। पहली बात तो बैंक ने ये काम क्यों किया, इसका रीजन मैं बता देता हूँ। बहुत सारी फ्रॉड एक्टिविटी है, हमारे AEPF जब से आया है तब से बैंकिंग फ्रॉड लगभग 50% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। आधे से ज़्यादा फ्रॉड तो उसके होते हैं, OTP वगैरह या डेबिट कार्ड से फ्रॉड होते हैं, लेकिन AEPF से भी 50% फ्रॉड होते हैं। लोग गांवों में जाते हैं, विलेज एरिया में, रूरल एरिया में, और वहाँ किसी ने LED बांट दिया कि भैया आधार कार्ड का अंगूठा लगेगा, दो एक LED के लिए एक अंगूठा, लोग 5-5 LED लेते हैं। उन्होंने सभी भी बैंकों के सर्वर पर चेक कर लिया, जिसके खाते में जो भी पैसा मिला वो जिम मिले। इस तरह की जब कंप्लेंट आती है तो बैंक थोड़ा सा स्ट्रिक होता है। अपने ग्राहकों का पैसा बचाने का तो बैंक का कर्तव्य भी है, होना भी चाहिए। तो बैंक ने क्या किया, AEPF बंद कर दिया। अब ग्राहक अगर चाहे, हो सकता है उसके यहाँ से सेंट्रल बैंक दूर हो सकता है सेंट्रल बैंक का बैंक BC भी दूर हो, तो ग्राहक चाहे तो बैंक में एक उन्होंने फार्म भी चालू कर दिया है, उस फार्म को भर के वहाँ एक उसको परमिशन बैंक को लिखित में देना पड़ता है कि मेरा AEPF मैं दूसरे बैंक के BC से निकालना चाहता हूँ पैसा। कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, उसमें सेंट्रल बैंक का कोई भी उत्तरदायित्व तो नहीं होगा। मतलब ये रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जिस बैंक का से पैसा निकलता है उस बैंक को ग्राहक को पूरा पैसा देना पड़ता है। तो इसमें
सेंट्रल बैंक टोटल लिखित में ले लेता है ग्राहक से कि हम आपके EPS चालू कर देते हैं, लेकिन अगर इसमें अगर आपका कोई पैसा जाता है तो उसमें सेंट्रल बैंक आपको कुछ भी वापस नहीं करेगा। तो ग्राहक ये फार्म भर के बैंक में जाकर फार्म भर के सबमिट कर दे, उसका EPS दूसरी जगह चलता रहेगा। बाद बाकी जो जीरो बैलेंस अकाउंट है जिनको प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट बोलते हैं, उनके ट्रांजेक्शन चालू हैं। अगर किसी ग्राहक का अगर चालू नहीं है तो बैंक में जाकर वो EKYC के माध्यम से चालू करवाए, EKYC करवा दे, KYC बोला जाता है, EKYC मतलब अंगूठा लगाकर वो EKYC सर्टिफिकेट डाउनलोड करके बैंक में जमा कर दे और उससे उनका चालू हो जाएगा EPS। और कोई जानकारी अगर आपको किसी भी बैंक में कोई भी परेशानी आ रही आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसके संबंध में हम एक विस्तृत जानकारी का वीडियो जरूर ले आएंगे।